आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम एक यूनिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ यू नो बेटर हो सकती है। बिकॉज हमने अक्सर देखा है जब दो माइंडसेट के लोग आपस में यू नो मिलते हैं या जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं समझ पाते, है ना। उसके पीछे जो रीजन है वो है स्किल्स, उसके पीछे जो रीजन है वो है यू नो अपोजिट जेंडर माइंडसेट्स, कि हमें अपना माइंडसेट तो पता है लेकिन अपोजिट जो जेंडर है उसके माइंडसेट के बारे में हमें नहीं पता है, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इसको देखने के बाद आपके जो रिलेशनशिप है यू नो अपोजिट जेंडर से, अपनी वाइफ से या किसी से भी, अपनी गर्लफ्रेंड से, वो बेटर हो सकती है। और ये जो कंसेप्ट है ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, जो बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है अपने टाइम में और इस बुक ने इन्हें काफी लोगों की हेल्प और उनकी रिलेशनशिप पे काम किया है। ओके, सो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये कंसेप्ट काम करता है, कैसे मैन का माइंडसेट होता है, वुमेन्स का माइंडसेट होता है और कैसे हम अपोजिट जेंडर के माइंडसेट को समझकर अपनी जो 99-95% प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम खुद ही परेशान हो जा रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरी इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। सो जैसे मैन की कई सारी चीजें लिखी हुई हैं उसी तरीके से वुमेन्स की, एंड जो कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है कम्युनिकेशन स्टाइल्स। तो मैन और वुमेन्स का कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग अलग होता है। मैन का जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वो होता है कि मैन टेंड टू बी मोर डायरेक्ट एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि जब कोई अपोजिट सेंटर, जब कोई उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उनसे कोई बात करती है या कोई भी चीज होती है तो उन्हें जो है डायरेक्ट और सॉल्यूशन ओरिएंटेड, उन्हें घुमा फिरा की चीजें पसंद नहीं होती है। उनको या तो आप सॉल्यूशन बताओ या फिर आप उनको डायरेक्ट बताओ। उनका अगर आप घुमा रहे हो और इधर उधर की बातें कर रहे हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाता है ना। और ये चीज दूसरा इंसान नहीं समझ पाता, ये चीज वुमन और गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाती। वो सोचती है कि मैं जो भी बोलती हूँ ये पता नहीं अपोजिट ही ले जाता है हर चीज को, है ना। तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इनका जो माइंडसेट है वो इस टाइप से काम करता है मैन का, है ना। जो वुमेन्स है उनका जो माइंडसेट है वो क्या है कि वुमेन्स ऑफन फोकस ऑन द शेयरिंग एंड कनेक्टिंग इमोशनली। जो जब जब कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात आती है तो वो शेयरिंग पर ज्यादा बिलीव करते हैं, यू नो जो इमोशनली कनेक्ट होने की ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि आप उनको डायरेक्ट सॉल्यूशन देते रहो। उनसे अगर आप उनकी बात सुन लेंगे ना, अगर वो कुछ बोल रही है और आप उनकी बात सुन लेंगे तो कहानी खत्म। बस खाली सुनना ही बहुत बड़ी चीज है उनके केस में, वो ही उनके लिए कम्युनिकेशन स्टाइल है ना। तो अगर आप उनकी बात को सुनते हैं तो वो कनेक्ट कर पाती हैं आपको और उनसे, जिससे यू नो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल से काफी बेटर हो सकती है। तो हमने अक्सर देखा भी है कि यू नो हम नहीं सुन पाते हैं, राइट। हम अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं, हम नहीं सुनते हैं, जिस वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है ना। तो ये देखिए कि आपको उनको खाली सुनना है, समझना है, जिससे आप यू नो उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। सेकेंड जो है कैटेगरी वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। दोनों का अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। मैन का अप्रोच है मैन ऑफन प्रेफर टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। जब बात आती है मैन की मर्द की, है ना, आदमी की, तो वो कोई भी प्रॉब्लम्स को ना इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहता है, वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता। ये हम लोगों में ईगो होता है कहीं ना कहीं, ये हर इंसान में, हर 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ किसी ना किसी में ये तो होता है कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करूं, कोई मेरे बीच में टांग ना लगा पड़ा है, है ना। लेकिन इनके केस में क्या होता है, वुमेन्स में सीक सपोर्ट एंड कोलैबोरेट, वो चाहती हैं सपोर्ट लेना। जब भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो सपोर्ट लेना चाहती हैं, वो अकेले चीजें हैंडल नहीं करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि सब उनको सपोर्ट करें, सब उनके साथ उन्हें कोलैबोरेट करें, तभी वो चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। जिससे क्या होता है कि ये जो मैन लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरी बात सबको क्यों बता देती हो, है ना। जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जब मैं इतना इतना कैपेबल हूं तो तुम मेरी बातें सबको क्यों बता दे रही हो। यहां मैन की ईगो हर्ट हो जाती है ना, उसे लगता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो मेरे बारे में बुराई करी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट चाहिए उसको कोलैबोरेट चाहिए, इसी वजह से वो ऐसा करती है। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, नीड फॉर स्पेस। मैन में रिक्वायर मोर अलोन टाइम एंड पर्सनल स्पेस। जब बात स्पेस की आती है, अकेलेपन की आती है, जब फैमिली में हम रहते हैं और हम जब दो अपोजिट जेंडर रहते हैं, मैन एंड वुमन, तो उस कभी कभी जो मैन होते हैं वो स्पेस चाहते हैं अपने, वो चाहते हैं कि वो थोड़ी देर अकेले बैठें या थोड़ी देर पर्सनल स्पेस अपना फाइंड करें,
तो वुमेन्स को उस टाइम क्या लगता है, उन्हें लगता है कि यार ये अपने अकेले ही रहता है ना, ये मुझसे बात नहीं करता, मुझसे कोई नहीं करता, जब कोई काम होता है तभी आता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनका एक्चुअली माइंडसेट ऐसा ही है, वो उनका मैन का माइंडसेट ही ऐसे ही है कि वो अकेले ही रहना पसंद करता है, नॉट एक 24 आवर्स, बट हाँ थोड़ा टाइम वो चाहते हैं कि वो अपने साथ स्पेंड करें, पर्सनली स्पेंड करें, है ना। जिसको वुमेन्स को ये चीज समझनी चाहिए, उसी तरीके से वुमेन्स में डिजायर मोर टाइम टुगेदर एंड शेयर्ड एक्टिविटीज। वुमेन्स का यहाँ अपोजिट बिल्कुल माइंडसेट है, वुमेन कहती है कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, यू नो मोर टाइम टुगेदर एंड शेयर्ड एक्टिविटीज, और जो भी चीज करो वो मेरे साथ करो। लेकिन मैन कहता है नहीं नहीं मुझे अकेले करती है, मुझे थोड़ा स्पेस दो। वुमेन्स कहती है कि नहीं तुम मेरे साथ करो, और यू नो मेरे साथ जो भी एक्टिविटीज है, जो भी काम है वो मुझे बताओ एटलीस्ट। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आती है एक्चुअली। ओके, तो ये चीज भी आपको समझनी है कि ऐसा क्यों होता है ना। फोर्थ पॉइंट, यू नो हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। जब बात हैंडलिंग क्रिटिसिज्म की आती है, मैन में टेक क्रिटिसिज्म मोर डायरेक्टली एंड वुमेन्स में बी मोर सेंसिटिव एंड टेक इट पर्सनली। जो जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो मैन लोग जो होते हैं क्रिटिसिज्म मोर डायरेक्टली, वो डायरेक्टली ले लेते हैं। मतलब वो क्या है, उन्हें अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली इतने उसको दिल पर नहीं ले लेते वो, है ना। वो उसका देखते हैं कि हाँ अगर इसने कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ यू नो उसके पीछे वजह होगी। लेकिन वुमेन्स के केस में क्या है, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत चीजों को पर्सनली ले जाती हैं। उनको अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो उन्हें चीजें याद रहती हैं, 5-10 साल 20 साल पुरानी चीजें, हर चीजें याद रहती है, वो भूलने के लिए रेडी नहीं रहती है ना। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्यों, क्योंकि उनको चीजें याद रहती है और वो पुरानी चीजों को फिर याद दिलाती है इसको बंदे को, है ना, और वो चीज रिपीट होती रहती है। तो ये सभी के साथ होता है क्योंकि ये माइंडसेट है, इसको समझना चाहिए कि भाई ये इसका माइंडसेट है तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए, और इनको भी समझना चाहिए कि इनका माइंडसेट है ना। अब बात करते हैं हैंडलिंग इमोशंस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उस टाइम पे जब इमोशंस को हैंडल करने की बात आती है तो कैसे करते हैं, तो मैन करता है, मैन में विड्रॉ और बिकम साइलेंट। उस टाइम पे आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है घर में या बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो इंसान का जो नेचर होता है ना मैन का, वो चाहता है साइलेंट रहना, चुप हो जाता है वो बिल्कुल उस टाइम कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। ये जो कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है 100% ही ट्रूथ हो एक्चुअली, यू नो ऑथर ने भी ये बात अपने बुक में मेंशन करी है ना कि 100% तो नहीं, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज देखी गई है ना। तो जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो वो साइलेंट हो जाता है, और ये वुमेन्स में एक्सप्रेस देयर इमोशंस मोर ओपनली एंड एक्टिवली सीक रेजोल्यूशंस, है ना। तो उस केस में वुमेन्स के केस में क्या होता है कि मैं एक्सप्रेस देयर इमोशंस मोर ओपनली, वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस टाइम पर। अगर कुछ बात आती है, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और वो हैंडलिंग करना चाहती है अपने इमोशंस को, वो तो साइलेंट हो जाता है बंदा, लेकिन वो ओपन खुलकर अपने इमोशंस को हैंडल करना चाहती है, ये उनका नेचर होता है जो हमें समझना है ना। वो अगर वो खुलकर ओपन करती है तो आपको ये नहीं सोचना कि वो यू नो उनका ये ऐसे क्यों करती है, सभी के साथ है, क्योंकि वो ओपनली खुलकर यू नो शो करना चाहती है अपने आप को, और एक्टिवली सीक रेजोल्यूशन, और उनको उसी वक्त रिजल्ट चाहिए होता है, उनको उसी वक्त रेजोल्यूशन चाहिए होता है। अगर आप उनको रिजल्ट हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे ना तो आपका जीना जो है दुश्वार हो जाएगा, इसलिए आपको उस टाइम हाँ या ना में आंसर देना है, नहीं क्योंकि रेजोल्यूशन उन्हें तभी चाहिए, एक्टिवली सीक रेजोल्यूशन उन्हें तभी चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको देखनी है। रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, जब ऐसी कुछ बात आती है तो मैन मे बी मोर इंक्लाइन टू गिव डायरेक्ट एडवाइस और सॉल्यूशन व्हेन आस्क फॉर हेल्प। जब हेल्प की बात आती है, जब वुमेन्स मैन से हेल्प मांगती है, तो हम लोगों का क्या नेचर होता है मैन लोगों का कि वो डायरेक्ट एडवाइस और सॉल्यूशन, उन्हें हम लोग सॉल्यूशन दे देते हैं, डायरेक्ट एडवाइस दे देते हैं हम लोग। हमारे साथ ये होता है, हम जो है इमोशनली ज्यादा इतनी वो अटैच होते नहीं है एक्चुअली, तो हम डायरेक्टली उनको आंसर दे देते हैं। बट उनके केस में क्या होता है, वीमन में ऑफर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उनके केस में क्या होता है, वो कहती है कि मुझे सॉल्यूशन मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे समझ रहे हो या नहीं, है ना। वीमन्स मे ऑफर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, तुम मुझे समझ रहे हो, तुम मुझे एम्पैथाइज कर रहे हो या नहीं, कि तुम बस मुझे सुनो, मुझे समझो, सॉल्यूशन मुझे पता है, सॉल्यूशन अपना तुम अपने पास ही रखो, मुझे अपना ज्ञान मत दो, है ना। ये उनको पता है ये चीज, लेकिन हम क्या, हमारा नेचर क्या है, हम तो मर्द हैं, हम तो आदमी हैं, हम तो एकदम सॉल्यूशन देंगे, है ना, हम तो एकदम, हमें ज्यादा घुमा फिरा के जरूरत नहीं है। यही कॉन्फ्लिक्ट का यू नो कारण बन जाती है।
यही हो जाता है क्योंकि हम वो हमें अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हो जाती है कि हम उन्हें सुने अंडरस्टैंड करें, बट हम सॉल्यूशन देते रहते हैं और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं और पूरी एनर्जी हमारी इसमें वेस्ट हो जाती है। सो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी किया होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी दी होगी कि कैसे रिलेशनशिप काम करती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हर ये चीज हर किसी के साथ हो रही है। या तो चलो ठीक है कि कोई पर्टिकुलर कपल है, कोई ऐसा है कि जो बिल्कुल ही परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट हम की तो चीज होती नहीं है, हर किसी इंसान में कमी होती है ना। तो लेकिन अगर आप वो आपके माइंडसेट को और आप उनके माइंडसेट को समझ जाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ और बेटर हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो एनर्जी वेस्ट होती है वो रिलेशनशिप पे ही होती है और अननेसेसरी चीजों पे ही होती है। इसलिए अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करके रिलेशनशिप वाली एनर्जी को अगर आप सेव कर लेते हैं ना, आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम चीज रोज ही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझिए कंसेप्ट को और अपनी लाइफ को बेटर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पागलपन है। मैंने जैसे शुरू में बताया ये सब स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आपको दूसरे के माइंडसेट को और उसको समझना है, और जितना ज्यादा आप समझ जाते हैं एक दूसरे के माइंडसेट को उतना ही ज्यादा आप लाइफ में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो ने काफी हेल्प करी होगी।